रियलमी का एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगता, एक फोन आप लॉन्च कर रहे हो उसको स्टेबल तरीके से लॉन्च करो, उसके बाद अदर्स कोई भी फोन लॉन्च करो। रियलमी क्या करता है, धड़ाधड़ एक से ऊपर एक फोन लॉन्च कर देता है। वो लोग क्वांटिटी में ज्यादा बिलीव करता है, क्वांटिटी को छोड़ के अगर क्वालिटी में आ जाए ना तो एक फोन भी लॉन्च करो एप्पल की तरह, वो शानदार रहे। लोग बोले रियलमी एक फोन लॉन्च किया है, नहीं ऐसा नहीं, रियलमी धड़ाधड़ इतना ज्यादा फोन लॉन्च करता है वो सारे फोन को ऑप्टिमाइज करना ही भूल जाता है। उसके बाद क्या होता है, फोन लैग करना शुरू करता है, हैंग करना शुरू करता है, अच्छी तरीके से चलता नहीं है। ऐसा ही एक फोन पिछले एक महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, रियलमी नार्जो N55। आज इस वीडियो में इस फोन का डिटेल रिव्यू करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फोन कैसा है, इस फोन को खरीदना चाहिए कि नहीं, डिटेल में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को देखना। आप लोगों को याद है अनबॉक्सिंग के ठीक दो दिन के बाद मैं एक वीडियो डाला था रियलमी नार्जो N55 के बारे में, वहां पे मैंने बोला था फोन बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। बस वो मेरा 2 घंटे के एक्सपीरियंस था, 2 घंटे में कुछ वैसे ही प्रॉब्लम हुआ था, उसके वजह से मैं आप लोगों को लाइव दिखाया था। लेकिन वो 2 घंटा नहीं, मैं 1 महीने तक यूज कर रहा हूँ, मुझे 3-4 दिन में एक बार ऐसा प्रॉब्लम होता है। और ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, शुरू में ही ये प्रॉब्लम के बारे में मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टाइटल में जो मैं लिखा हूँ ना वो देखकर बहुत सारे भाई लोग वीडियो में इंटर होता है और डिसलाइक वगैरह या नेगेटिव कमेंट देकर चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा सा रुक के ये वीडियो देखना चाहिए कि मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, जब आप लोग थोड़ा सा हेवी टास्क करने जाते हो तभी होता है। कुछ कुछ टाइम में मैंने देखा हूँ कि पबजी खेलने जाता हूँ, 30 मिनट या 45 मिनट के आसपास पबजी खेल लेता हूँ, उसके बाद फोन टोटली हैंग करना शुरू करता है, टोटली काम करना बंद कर देता है। कोई भी पेज अगर आता है ना वो पेज में ही अटक जाता है, आप टोटल काम ही नहीं कर पाओगे। ये दिक्कत हुआ है मेरे साथ, डेडिकेटेड इसके ऊपर मैं वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत ज्यादा लैग करता है, बहुत ज्यादा हैंग करता है। मैं बहुत सारे बजट का फोन यूज करता रहता हूँ लेकिन अभी तक इतना ज्यादा प्रॉब्लम मैं किसी भी फोन में नोटिस नहीं किया हूँ जो रियलमी नार्जो N55 के साथ मैं नोटिस किया हूँ। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों के यूनिट में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। मैं तो आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है। इस फोन में मीडियाटेक हेलियो G88 चिपसेट देखने को मिलता है, 213,000 इसका अंतुतु स्कोर आया है, बेंचमार्क 6 को भी मैंने रन किया था, स्कोर आप लोगों के सामने ही है। पबजी इस फोन में स्मूथ एंड अल्ट्रा और HD हाई करके खेल पाओगे। देखिए मैं पबजी खेला था, बहुत टाइम तक पबजी खेला हूँ, पबजी आप लोग अच्छा खासा नहीं खेल पाओगे, थोड़ा सा लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप आप लोगों को मिलेगा। मैं काफी टाइम तक यूज कर रहा हूँ, उसके बाद ये डिसीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को इस फोन का डिटेल पबजी गेमिंग रिव्यू देखना हो ना, हमारे सेकंड चैनल में अवेलेबल है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके साथ मैं बैटरी डेंटिस्ट भी किया था तो वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो। पबजी थोड़ा सा लैगिंग के साथ आप लोगों को मिल जाएगा, हीटिंग टेस्ट भी किया था, उतना ज्यादा हीट नहीं होता है, 38-35 के आसपास रहता है। ये मैं कंटिन्यू 2 घंटे के आसपास पबजी खेला था, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ इतना ज्यादा हीट हुआ था। तो हीटिंग इशू इस फोन में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है लैगिंग इशू, बहुत ज्यादा लैग करता है ये फोन। नॉर्मल यूजेस में आप परेशान हो जाओगे, अटक अटक के चलता है, कई बार फोन काम करना बंद कर देता है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है इस फोन के साथ। 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, इसका मैं बैटरी डेंटिस्ट किया था, देखिए स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिला है 6 घंटे के आसपास, जो माना जाता है इसका बैटरी काफी अच्छा है, अगर आप लोग नॉर्मल यूज करोगे 1 दिन आराम से निकाल के दे देगा। ऊपर से 33 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर दिया है, 1 घंटा 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज करके दे देता है। रियलमी ना कॉपी करना नहीं छोड़ेगा, एप्पल को कॉपी किया है। जब आप लोग चार्ज में लगाओगे यहाँ पे डायनामिक आइलैंड जैसा कुछ इफेक्ट दिखाई देगा, जब चार्ज में लगाओगे एक एनिमेशन होता है डिस्प्ले के ऊपर, आप लोगों के सामने ही है। इस फोन में साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी ओपन करता है। देखिए ये फोन बिकेगा तो इसके डिजाइन की वजह से, डिजाइन इसका दमदार है। बैक साइड में ग्लॉसी पैनल है, ड्यूअल टोन कलर है, 2 सेक्शन है, ऊपर की तरफ देख लीजिए अलग सेक्शन है, नीचे की तरफ अलग सेक्शन है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट है तो उसके वजह से हाथों का निशान थोड़ा बहुत आ जाता है, आप संभाल के रखा करो, अगर हाथ से गिर जाए तो बहुत ज्यादा क्रैचेस या डेंट आने वाला है। यही मैं कहना चाहूंगा कि बाजार में बहुत सारे टेम्पर ग्लास या बैक केस मिलता है, खरीद के लगा लिया करो। डिस्क्रिप्शन में ना मैं बहुत सारे टेम्पर ग्लास या बैक केस का लिंक डाल दूंगा, तो वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना, आपके मनपसंद के हिसाब से खरीद लीजिएगा। 6.72 इंच का फुल HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट दिया है, काफी अच्छी बात है, स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलता है। मैंने बहुत सारे कंटेंट वगैरह कंज्यूम किया था, एक्सपीरियंस मेरे को ठीक ठाक ही लगा है। देखिए फुल
फुल एचडी में जिस तरीके से मिलता है वैसे ही इस फोन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो क्वालिटी वगैरह, कलर टोन वगैरह अगर आप वीडियो में देखोगे अच्छा खासा है। आउटडोर में इस फोन को मैंने यूज किया था, आउटडोर ब्राइटनेस भी बढ़िया है। हमारे पास है 4GB 64GB वेरियंट। इसका रैम मैनेजमेंट मेरे को बेकार लगा है। मैं बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन किया था, रैम में जाके जब टेस्ट किया हर एक एप्लीकेशन को रीलोड कर रहा था रियलमी नार्जो N55। तो ये ध्यान देने का बात है, यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का जरूरत है रियलमी को। अब चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं। ड्यूअल कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इस फोन से आप लोग फुल HD 60 FPS करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। पिक्चर क्वालिटी जबरदस्त है। इस फोन का अगर कुछ अच्छाई के बारे में बताऊं तो डिजाइन और कैमरा शानदार पिक्चर क्वालिटी है। बहुत सारे पिक्चर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताना ये सारे पिक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है। शानदार पिक्चर क्वालिटी है, चाहे वो डिटेलिंग हो, कलर कॉन्ट्रास्ट हो, हर एक सिचुएशन में बेटर सैंपल खींचता है। प्रोटेट मोड में अगर एच डिटेक्शन वगैरह देखोगे रियर कैमरा से शानदार पिक्चर खींचता है। फेस को ज्यादा ब्यूटी नहीं करता है, ज्यादा डार्क नहीं करता है, अच्छा ह्यूमन टोन बैलेंस करके हम लोगों को प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं सेल्फी कैमरा में भी अच्छा पिक्चर खींचता है। देखिए फेस को ज्यादा ब्यूटी नहीं किया है, एज डिटेक्शन वगैरह भी काफी अच्छा है प्रोटेट मोड में। और नॉर्मल सेल्फी कैमरा सैंपल देखोगे बैकग्राउंड में जो स्काई या पेड़ वगैरह रहेगा उसका जो डिटेलिंग है वो भी काफी अच्छा है। तो ओवरऑल इसका जो कैमरा है वो मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आप 11,000 के आसपास सिर्फ कैमरा के लिए कोई भी स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो रियलमी नार्जो N55 के पास एक बार जरूर चेक करना, शानदार पिक्चर है इस फोन का। अब बात करते हैं इस फोन को लेना चाहिए कि नहीं। देखिए दोस्त मैं जो एक्सपीरियंस किया हूं आप लोगों को बता दिया हूं। इस फोन के साथ मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई दिया है, जो लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप इतना ज्यादा हैंग करता है, मैं यूज ही नहीं कर पाता हूं इसी फोन को। बाकी आपका मर्जी, मैं आप लोगों को डिटेल में बता दिया हूं। रियलमी के साथ मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, रियलमी नहीं तो मुझे फोन बेचता है और नहीं तो मैं रियलमी का कोई भी प्रमोशन करता हूं और नहीं तो कोई भी ब्रांड मुझे फोन बेचता है। बस जो सब कुछ बताता हूं ऑनेस्टली बताता हूं। आप लोगों को क्या लगता है या आपका जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ता रहता है तो उन लोगों का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। लाइक दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।